उम्र के बाद बहुत सारे लोगों को, चाहे वो यंग एडल्ट्स हो, बच्चे मेल या फीमेल दोनों में ही पिंपल्स होने की समस्या बहुत कॉमन पाई जाती है। मुंह पे एक्ने या दाने हो जाते हैं और कई बार ये दाने जब जाते हैं तो वहां पर हार्ड इंड्यूरेशन, हार्ड गांठ जैसी बना देते हैं और काले काले स्पॉट छोड़ जाते हैं। दोस्तों, दाने होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है जब आपकी एडल्टहुड आपको आती है। लगभग मेल्स में अगर हम बात करें तो 15-16 साल की उम्र से आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को एक्ने पिंपल्स की समस्या होती है। फीमेल्स में समस्या थोड़ी पहले 13-14 साल से बहुत बार शुरू हो जाती है, बट ये होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा बहुत ही अच्छे से क्यूरेबल है। ये तो थी एडल्टहुड के समय निकलने वाले पिंपल्स और उनके दाग की बात। अगर आपको नॉर्मल भी ये समस्या हो रही है तो ये जो बेसिक दवाएं जिनकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं या एक लोशन बनाएंगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, उनकी सहायता से आप पिंपल और उनसे होने वाले दाग से बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। बेसिक कुछ कारणों की भी चर्चा करेंगे कि पिंपल होते क्यों है। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली से जुड़ जाएं, बेल आइकन दबा दें जिससे कि जब भी नए वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों, एडल्टहुड जब आपको मीनार की शुरुआत होती है, स्पेशली फीमेल से पीरियड की शुरुआत होते हैं तो हार्मोन्स के बहुत सारे इम्बेलेंस होते हैं। हार्मोन बहुत सारे चेंज अचानक से ड्रास्टिक चेंज आते हैं। मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और भी अन्य कुछ कुछ हार्मोन है जिनके डीप में हम नहीं जाएंगे, तो हार्मोनल चेंज एक समस्या बन जाती है बहुत बार बहुत सारे मेल और फीमेल बच्चों में पिंपल्स को होने में। सेकंड सबसे बड़ी समस्या आती है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे बच्चे जिन्हें कब्ज की दिक्कत है, अर्थात बॉडी का प्यूरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे जिनको कब्ज है वो पानी नहीं अच्छे से पीते हैं। दिन में 1.5 लीटर पानी पी लिया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लगभग 3 लीटर और हो सके तो 4 लीटर पानी अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी जो पॉटी है या लैट्रिन है वो बहुत अच्छे से होगी। तो बॉडी का प्यूरिफिकेशन, पसीने, पेशाब और स्टूल, इन तीनों से आपकी बॉडी का प्यूरिफिकेशन, जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके शरीर में, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से निकल जाएंगे और आपका ब्लड एकदम प्योर रहेगा तो पिंपल्स की समस्या बहुत बार नहीं होगी आपको। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है। अगर आप बहुत ज्यादा कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो वो आपकी स्किन पे, ओवरऑल स्किन पे डलनेस के साथ साथ एक्ने पिंपल के रूप में भी या डार्क ब्लॉचेस के रूप में भी दिखता है। या अगर आप किसी लॉन्ग बीमारी से सफर कर रहे हैं, अचानक से आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसमें आप 3-4 महीने से परेशान है, तो फिर से आपकी स्किन पे डलनेस और पिंपल या एक्ने आने की समस्या हो जाती है। तो हम लोग मेन एक लोशन की बात कर लेते हैं जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे रात में सोते समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, 5-5 ml आपको बर्बरिस एक्वाफोलियम सबसे फेमस दवा है जो कि फेस की ग्लोइंग के लिए, दानों के लिए और चमकते हुए फेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो बर्बरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर 5 ml लेंगे। बेलिस्पेरिनिस या सीधे हम लोग बेलिस्पर भी बोलते हैं, मदर टिंचर, इसका भी 5 ml लेंगे। और लीडम पाल मदर टिंचर, इसका भी 5 ml लेंगे। लगभग ये 5-5 ml तीनों का हो गया टोटल 15 ml। इसमें हम लोग 20 ml के आसपास पानी मिक्स कर लेंगे, नॉर्मल वाटर जो है वो मिक्स कर लेंगे और जब रात में सोने जाएंगे तो हम इसे प्रॉपर फेस पर अप्लाई करके सोएंगे। अगर आपका चेहरा बहुत ड्राई है तो आप चाहें तो इसे नॉर्मल कोकोनट ऑयल में थोड़े से 5-6 ड्रॉप ऑयल में मिक्स कर लें, ये जो आपका आपने पैक बना रखा है इसे मिक्स करके, और ड्राई चेहरे पे आप ऑयल के साथ मिक्स करके लगाएं। अगर ऑयली है चेहरा तो आप इसमें ऑलरेडी जो पानी में मिला चुके हैं दवाएं उसको मिलाकर लगाएं। आप देखेंगे लगभग 1-1.5 महीने के यूज के बाद आपके फेस का जो ग्लो है और पिंपल्स की वजह से जो दाग आ रहे थे वो जाने लगेंगे। इसी के पैरेलली आप ब्लड प्यूरिफायर अंदर से ले सकते हैं, सार सेपरिला का मदर टिंचर, साथ ही साथ बर्बरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर और कैलोट्रॉपिस मदर टिंचर, इन तीनों मदर टिंचर को एक मात्रा में मिक्स कर लें। ये तीनों मदर टिंचर आपको ब्लड जो है उसको प्यूरिफाई करेंगे। जी हाँ, मार्केट में बहुत सारे ब्लड प्यूरिफायर आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, बट इन तीनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो स्किन के लिए स्पेशली ये आपके जो दाने या ग्लोइंग को दबाने वाले जो केमिकल है उनको डिटॉक्स करता है, उनको निकालता है। तो कैलोट्रॉपिस लेना है आपको, बर्बरिस एक्वाफोलियम लेना है और सार सेपरिला मदर टिंचर लेना है। तो ये तीनों मदर टिंचर को एक बॉल में इक्वल मात्रा में मिक्स करें, 15-20 बूंद दोपहर शाम थोड़े से गुनगुने पानी के साथ मिलाकर 1-1.5 महीना सेवन करें, और जो फेस पैक की हम लोगों ने चर्चा की उसे रात में लगाकर सो जाएं। कुछ 2-3 बेसिक दवाओं की भी बात कर लेंगे जो स्पेशल कैरेक्टर मिलते हैं। अगर आपको पिंपल निकलते हैं और हार्ड इंड्यूरेशन, हार्ड हार्ड से गांठ बन जाती है, एंटीम क्रूड 200 पावर में सुबह शाम लगातार कुछ दिन लें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको दानों को छूने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, रेडियम ब्रोम 30 पावर में सुबह शाम, जलन वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा मार रहे, पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब भी छूते हैं तो उसमें दर्द और जलन भी काफी ज्यादा फील होती है, तो रेडियम ब्रोम 30 पावर में
सुबह शाम कुछ दिन लगातार लें, आपको बहुत अच्छा पेनफुल बर्निंग पिंपल्स में काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर सिर्फ पेन है और पेन इतना ज्यादा है कि चेहरा लाल रह रहा है दोस्तों, तो जुगलेंस रिजिया नाम की एक दवा आती है 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम इसे भी लेना शुरू करें। रेडनेस, पेन और पिंपल, ये तीनों ही आपके जाने लगेंगे। दानों के जाने के बाद बार बार काले दाग हो जाते हैं। लीडम्पाल 200 पावर में सुबह शाम लगातार कुछ दिन ले लें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी को रेकरेंसी है कि डॉक्टर साहब मैं दवा लेता हूँ एकदम ठीक हो जाता हूँ, पिंपल 3-3, 6-6 महीने तक नहीं होता, पर फिर 6 महीने साल भर बाद हो जाता है, स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम 200 पावर में सुबह सुबह 1-2 दिन, ये एक बड़ी नोसोड है जिसे ज्यादा नहीं लेना है, तो 1-2 दिन सीधे जबान पर आप चाहें तो ले सकते हैं, या ग्लोब्यूल्स में मात्र 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन हम लोग करेंगे, और आप देखेंगे जो रेकरेंसी है पिंपल्स की या एक्ने की चेहरे पे, वो आपकी काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, इन बेसिक फार्मूलों को आप यूज करके देखें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।